आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 100 या 200 Mbps का नेटवर्किंग हम यहां से 20 किलोमीटर दूर पहुंचाने वाले हैं। हमें 20 किलोमीटर दूर तक कैसे पहुंचाना है, तो उसके लिए आज हम यूज करने वाले हैं लाइट बीम AC UBNT के राउटर। हमारी शॉप में यहाँ फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है नेट प्लस का, जो कि 100 Mbps ही है। अगर आपको भी पॉइंट टू पॉइंट इंटरनेट कनेक्शन लेना है, या फिर आप अपना नेटवर्क खुद का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं भी कैसे ये पहुंचता है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो अब हम इसे घर में लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो घर की छत है वो थोड़ी ऊंची है, यहाँ पहाड़ी एरिया है, तो हम थोड़ा खड्ड के पास हैं और वो थोड़ा पहाड़ में है, तो हाइट हमारे को चाहिए। और जो दूसरा पहाड़ है वो हमने क्या किया, UBNT का एक पूरा डिज़ाइन, ISP डिज़ाइन एक सॉफ्टवेयर है, जो कि उनकी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में पूरा बताया गया भी कौन सा डिवाइस आपको कितने Mbps की स्पीड प्रोवाइड करा सकता है पॉइंट टू पॉइंट के लिए। ये प्रॉपरली ISP के लिए डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, इसमें पेड भी रहता है, साइन अप वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं। फिलहाल हमने डेमो के लिए सिंपल एक बिना किसी साइन इन से इसे यूज़ करके आपको बताया है, जिसमें हमें पता लग रहा है भी बिल्डिंग या फिर हमारे जो पहाड़ हैं वो बीच में आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो इस तरह से सब कुछ हमने देखा। इससे पहले हमने गूगल अर्थ भी यूज़ किया था, बट उसमें हमारे को ये नहीं पता लग रहा था पर लाइन ऑफ साइट क्लियर है नहीं है, बट इसमें प्रॉपरली पता लगता है बहुत जल्दी से। तो पैसे तो हमने TP-Link के पहले 710 राउटर को भी हमने यूज़ किया था, बट वो 17 किलोमीटर तक ही हम जा पाए थे। अभी हमने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने चेक किया भी हम 20 किलोमीटर या 21 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं। अब हम इसको फिट कर लेते हैं घर में और फिर आपको 20 किलोमीटर दूर या 21 किलोमीटर दूर जाके चेक करवाते हैं वहाँ पे जो है किस तरह से कितनी Mbps स्पीड तक जो है ये पहुँचा पाया। वैसे बोलते हैं 30 किलोमीटर तक जो है ये डिवाइस काम करता है। अब बात की जाए हमने घर में इसे सेटअप करना है, तो आइए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते चलते हैं अपनी साइट पर। सो फ्रेंड, ये रहा इसका क्लंप जो कि हमें एक नॉर्मल एंगल या पोल पे पहले लगाना पड़ता है। हम केबल टाई यूज़ कर रहे हैं, आप इसका जो साथ में ब्रैकेट आती है उसे यूज़ कीजिए। यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले उसका L ब्रैकेट लगाना पड़ता है, उसके बाद L ब्रैकेट में इजीली जो है ये लॉक हो जाता है। और लेफ्ट पीछे का लॉक और आगे का लॉक दोनों ही अलग अलग हैं, लेफ्ट राइट करने के लिए और ऊपर नीचे करने के लिए। ये रहा पहाड़ जिस तरफ हमने इसको अलाइनमेंट करनी है। प्रॉपरली ध्यान रखें, लाइन केबल लगाएं, उसको कैप लगाएं, उसका कैप है उसे प्रॉपरली लगाएं ताकि उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना जाएं। साथ में लाइन केबल हम Cat6 यूज़ करें क्योंकि इसका लैन पोर्ट 1 Gbps है। तो इस तरह से हमने वायर जो है प्रॉपरली लगा दी है। और एंटीने को अलाइनमेंट करने के लिए एंटीने को हम अपने हाथों से ही खोल सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन सब कुछ कर सकते हैं। और प्रॉपरली हम इसको देख रहे हैं पीछे से भी हमारी जो अलाइनमेंट है प्रॉपरली सक्सेसफुल साइड से हुई या नहीं हुई है, बट एंटीना हमारा थोड़ा सा हिल रहा था। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, एंटीना बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए, टाइट रहना चाहिए, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे जो ऊपर से लैन केबल आई है वो नीचे हम अपने POE में लगा देंगे, POE साथ में दिया है। और लैन केबल हम घर के राउटर में लगा देंगे ताकि घर का इंटरनेट जो है ऊपर पहुँच जाए, ऊपर वाला जो एक्सेस पॉइंट है। और हम अब डायना पार्क जाएंगे, वहाँ पे हम क्लाइंट लगाएंगे और उसी कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो आई बटन में है और ब्लॉग वाली वीडियो भी आई बटन में है जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं पहाड़ों में, डायना पार्क जगह है और आप देख सकते हैं अभी UBNT का AC लाइट बीम हम जो है एंटीना लगा रहे हैं। ये आराम से लग जाता है और थोड़ा सा पिछला जो ब्रैकेट है ये टाइट करना पड़ता है, तो करके जो है सही ढंग से लगेगा। स्टैंड होता है लाइट वाला, इसमें आराम से लग जाता है। उसके बाद हम इसको 9 फुट तक जो है हाइट दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो स्टैंड है काफी ऊंचा है। तो इस तरह से हम लाइन केबल लगा के पावर लगा के सब कुछ करेंगे। आज जो है सुरजीत जी को मैं शूट कर रहा हूँ, तो इस तरह से देख सकते हैं आप भी कुछ कनेक्शन करते हुए सुरजीत जी। यहाँ के कुछ व्यूज नजर आएंगे, दिखाएंगे आपको अभी किस तरह से जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पे यूज़ हैं। तो दोस्तों जैसे ही हमने काम शुरू किया बहुत ही गड़ाकड़े हुए, बहुत तगड़ी बारिश हुई, लगभग 1 घंटा तक बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ वीडियो में, हमने जैसे सेटअप शुरू किया था कुछ हमारे को बैंडविड्थ आनी शुरू हो गई थी, बट बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही थी, हमें यहाँ से हटना ही पड़ा। फिर बारिश के बाद जब हम किसी और जगह गए जहाँ पर हमें लगा भी वहाँ से अच्छा कनेक्शन आएगा क्योंकि वहाँ पे तो 50 Mbps आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा था हमारे साथ, हवा चल रही थी, बहुत ही हमारे को मुश्किलें पड़ी और फिर भी जो है हम पूरा दिन लगे रहे। और दिक्कत की बात ये थी भी, सबसे बड़ा कारण ये था भी हमारे घर का एंटीना हिल चुका था, जिस वजह से हमारे को सिग्नल नहीं मिल पाया उस दिन पूरा दिन, और बहुत ही परेशान रहे। लेकिन चलो फिर भी जो है हमने काफ़ी नज़ारे लिए इस दिन। तो दोस्तों 3 दिन बाद द्वारा गए, बट इस बार पूरी तैयारी करके गए। हमने चेक किया मोबाइल से भी अपना भी कहाँ पे है और कहाँ तक हमें जाना है, कहाँ पे सही पॉइंट है जहाँ पे हमारे को सिग्नल मिलेगा। कंप्यूटर पे गूगल अर्थ पे भी पूरा जांचा भी, कहाँ हमने जाना है, पॉइंट कौन कौन से है, कहाँ पे कितना सिग्नल आ सकता है। और UBNT का ISP डिज़ाइन सॉफ्टवेयर भी हमने पूरा चेक किया भी, वाकई कौन सा पोजिशन है। इवन हमने जो लोकेशन है वो हमने गूगल मैप पे नेविगेट की ताकि हम उस जगह पे जा पाए। तो उसके बाद जो है फिर हम सही जगह पे पहुंचे और स्पीड आपको चेक कराते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से हम पुरानी जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे मंडी शहर बिल्कुल साफ नज़र आता है और यहाँ पे अभी थ्रूपुट आप देख रहे हैं 53 है और 85 dBm है। तो सेटिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मेन्यू में गया, एंटीना अलाइनमेंट किया, तो यहाँ पे बैलेंस है, अभी हिल नहीं रहा है। और इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, प्रॉपरली थोड़ा सा इसको करने के लिए मेरे को लग रहा है अभी नीचे को जा रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर को करूँगा मैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है रोटेट करो डिवाइस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बकायदा यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा रहता है। तो पहले इसे मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि मैं इसे सही ढंग से कंट्रोल कर। जैसे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो 90 dBm सिग्नल हो रहा है, जैसे मैं नीचे कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट पोजीशन में कर रहा हूँ डिसकनेक्ट हो जा रहा है, वीक सिग्नल है। थोड़ा सा इसको इधर को करते हैं, 86 dBm सिग्नल है यहाँ पे, 85 dBm। और स्पीड की बात की जाए तो मेरे हिसाब से उतनी स्पीड होगी जितनी पहले थी, उसके लिए हमारे को दूसरे वाईफाई से जोड़ना पड़ेगा टोपी लिंक से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो शॉप का इंटरनेट है वो यहाँ तक पहुँच पा रहा है, स्पीड काफ़ी अच्छी बीच बीच में आ रही है, जैसे 10 तक भी जा रहा है, कभी 5, 6, 7, 8 तक, कभी 10, 7, 8, 9, 8 Mbps में। अपलोडिंग थोड़ी ज़्यादा आ रही है, मतलब यहाँ से भेजने में थोड़ा सा पावर लगा रहा है। तो अभी हमने एंटीना देखो सिर्फ यहाँ पे लगाया, अगर हम अच्छा पोल लगाएंगे 10 फुट 20 फुट का तो ये जो स्पीड है डबल हो सकती है, लगभग हम 17 किलोमीटर जो है अपने शहर से दूर हैं। और यहाँ पे हमारे घर में 100 Mbps का प्लान है, लेकिन हम यहाँ पे अगर पॉइंट टू पॉइंट करते तो इतने Mbps कर सकते हैं 17 किलोमीटर दूर। अभी हमने यहाँ से 3 किलोमीटर परे यानी कि 20 किलोमीटर पे भी चेक कराया था, तभी 5 Mbps की स्पीड आ रही थी, बीच में वहाँ पहाड़ भी था। बात की देखी जाए तो अभी हमने अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी उधर को रखी है, इसलिए तब भी यहाँ पे सिग्नल अच्छा आ रहा है। और हमने इसको भी अलाइनमेंट की भी थी जो कि आपने देखी थी भी, जैसे हमने ये ऐप खोली UNMS UISP, स्पेशल ऐप है जिसमें डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं, जो हमारा AP घर में लगा उसे भी हम यहाँ पे खोल सकते हैं, और जो यहाँ पे डिवाइस है उसे भी हम यहाँ पे खोल पा रहे हैं। जो प्रॉपरली नेटवर्किंग हमारी शॉप की है वहाँ से कॉपी भी करेंगे फाइल थ्रूपुट, और देखो यहाँ पे 20-22 KPPS चल रहा है और थ्रूपुट है 50 Mbps, तो इस तरह से है। और 1 GPS का पोर्ट है, 7 मिनट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे सेटिंग में जाके एंटीना अलाइनमेंट करेंगे, चेयर्स आर बैलेंस मतलब जो कि इसकी अलाइनमेंट है वो इस तरह से है, और 85 dBm तक आ गया था, 83 dBm तो वहाँ पे था, आप समझ सकते हैं ना 83 dBm वहाँ पे था, वहाँ पे काफी अच्छा सिग्नल आ रहा था, इटमीन्स हमारा एंटीना जो है उधर को होगा शायद। और हमें लगता है अभी हमें घर में बंदा भेजना पड़ेगा, थोड़ा सा एंटीना हल्का सा इधर को करना पड़ेगा, बाकी इसको अगर इधर को करते जैसे मैंने थोड़ा सा इधर इसको इधर को किया 88 हो गया, तो अगर थोड़ा सा इधर को किया तो भाई डिस्कनेक्ट हो गया। तो अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, यहाँ पे मैक्सिमम 85 तक ये सिग्नल आया। चलिए अब अगले पोजीशन पे चलते हैं जहाँ पे हमारे को ग्राउंड है, और वहाँ पे 40-50 Mbps डिबलिंग सी 710 ने की थी कवर, 15 किलोमीटर एवरेज है वहाँ से, और देखते हैं ये कितना करता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी हमने यहाँ पे टेस्ट कर दिए हैं, और पहाड़ों में जो नज़र आता है वो तो नज़र आ ही रहा है, साथ में देखो टेस्ट जो है हमारा यहाँ तक पहुँचा है। अभी हमें मैक्सिमम जो है यहाँ पे 15-20 Mbps तक स्पीड मिली अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर करने पर, CP710 में बहुत आसानी से जो है हमारे को स्पीड मिली थी, पता नहीं हमने अलाइनमेंट में गड़बड़ की है या क्या है, लेकिन हमें मतलब जो है लाइट CP710 ज़्यादा अच्छा लगा इसके मुकाबले में। लेकिन इसकी रेंज जो है 20 किलोमीटर दूर भी आ रही थी, 83 dBm सिग्नल आ रहा था, बट 83 dBm में उसका भी इतना ही आ रहा था, तो काफ़ी हद तक जो है सिमिलर जैसे मॉडल हैं। और जो भी आपने वीडियो में देखा, स्पीड टेस्ट भी देखे और सारा कुछ आपको चेक कराया, हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे इस तरह के पॉइंट टू पॉइंट की वीडियो और बहुत सारी हैं, पहले हमने यहीं पर CP710 को टेस्ट किया था टीपीलिंग का, अब लाइट बीम AC टेस्ट किया है। ये वीडियो स्पेशल ऐसे लोगों के लिए जो घर से अपने दूर तक इंटरनेट पहुंचाना चाहते हैं, या फिर पॉइंट टू पॉइंट इंटरनेट शेयर करना चाहते हैं, या फिर एक जगह की नेटवर्किंग दूसरी जगह करना चाहते हैं, तो इस तरह से वीडियो थी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।